अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 14 अगस्त का दिन है और हम जा रहे हैं सी साइड। तो तुर्की में जो सी साइड है वो आपको दिखाऊंगा डिटेल में आज इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा 15 से 20 मिनट की वीडियो हो। अच्छा, बस जो है 142 भी जाती है और हर 15 मिनट में तकरीबन आ जाती है गाड़ी, तो हम वेट कर रहे हैं। अभी ये 146 आ रही है सामने से, जैसी 142 भी आएगी तो हम जाएंगे उसमें, और फिर फर्दर हो सका, अगर अंदर से हो सका तो आपको वीडियो दिखाएंगे उसकी इंशाल्लाह। आज यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो 32-33 था, तो ये राइट टाइम है अगर आपको सी साइड पे जाना है इस्तांबुल में, तो बेहतर टाइम यही है कि आप जो है तकरीबन 5 से 6 बजे तक जाएँ, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है और यहाँ मगरिब 9 बजे के करीब होती है। लिहाजा आपको बहुत ख्याल रखना है इस चीज़ का, वरना गर्मी बहुत होती है, आप बहुत बुरा हाल हो जाएगा आपका वहाँ जाके। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बस में और हम जा रहे हैं सी साइड की तरफ, और यहाँ पे थोड़ा सा रश है तो इसलिए मूवी बनाने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो वेट करें आप इंशाल्लाह, जैसे ही मैं पहुँचता हूँ आपको फिर फर्दर दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, ये है सी साइट और यहाँ पे हम एंटर हो रहे हैं। जाब्ते की गाड़ी खड़ी हुई है इनकी और बहुत खूबसूरत बीच है यहाँ पे। और उससे पहले देखिए आप, सारी कुछ होटल्स भी बने हुए हैं और कुछ जो है यहाँ पे मकान भी हैं, और इसके अलावा यहाँ पे रिहाइश के लिए भी यहाँ पे जगह मौजूद है। तो बहरहाल मैं आज आपको कंप्लीट सी साइट यहाँ पे दिखाऊंगा जितना पॉसिबल हो सका, क्योंकि जहाँ पॉसिबल होगा मैं कैमरा यूज़ कर लूँगा, अदरवाइज़ मैं आपको बता दूँगा वर्बली इसके बारे में। ये मशीन्स खड़ी हुई हैं इस्तांबुल की जो बल्दिया है उसकी, और यहाँ पे तामीराती काम जारी है, क्योंकि अभी ये पिछले 2-3 महीनों में एकदम पीक पकड़ी है सी साइड ने, उससे पहले बड़ा सन्नाटा हुआ करता था यहाँ पे। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा ऊपर गया, अभी आप देखें आप बहुत ज़्यादा रश है, इवन के यानी कि इतना रश उस दिन नहीं था, अभी हम 10 से 15 दिन पहले आए थे तो इतना रश नहीं था, आप आज देखें आप कितना ज़्यादा रश है। और ये सारे देखें लाइन से रेस्टोरेंट्स हैं, सही है, यहाँ से एंट्री। अभी ये तामीराती काम यहाँ पे जारी है, देखें आप, यहीं पे इन्होंने जो है बड़ा खूबसूरत इन्होंने सजाया हुआ है इसको, देखें आप, बहुत माशाल्लाह ब्यूटीफुल व्यू है। यह सामने पुलिस का ऑफिस है, पुलिस का ऑफिसर उन्होंने अभी रिसेंटली बना दिया, इससे पहले नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे लोग आए हुए हैं और ये बाचे कैफे है इनका, जहाँ हम पहले भी आ चुके हैं और पहले भी आपको छोटा सा एक व्लॉग बनाया था, दिखाया था। इसके अलावा ये फर्दर कैफेज हैं आगे, ये देखें ये लाइन से रेस्टोरेंट्स बने हुए, और ये इन्होंने एक अच्छी चीज़ का इजाफे किया कि यहाँ पे सारे ट्रीज लगा दिए, और यहाँ पे आप जहाँ तक देखेंगे आज लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं, और नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। आज जो है असल में प्रमोट भी कर रहे हैं जो बात है इसको, जगह जगह फेसबुक पे इनके जो भी सोशल मीडिया मीम्स हैं उन पे और सब जगह ये लोग जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं, और बहुत बेहतरी आ रही है, और इनका बाकायदा एक सी साइड बनता जा रहा है, और रातों रात ये फर्श भी बाद में बनाए, ये दरख अभी लगे हैं, पिछले कुछ दिनों पहले नहीं थे, अभी ये बने हैं। ये एरोप्लेन यहाँ से गुजर रहा है आप देखें, और ये इधर का व्यू है सी साइड का इनका, देखिए आप इसमें अभी क्योंकि ये सी डेवलपिंग सी है, तो यहाँ पे जो सी साइड है उसको ये लोग डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए ये कंस्ट्रक्टिव काम जारी है, और ये सारे आप देखें यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, और यहाँ पे अभी काम चल रहा है, मगरिब होने वाली है तो मगरिब के बाद ये लोग प्रॉपर काम करेंगे। और अभी देखें सनसेट होने वाला है यहाँ पे, मैं आपको उसका दिखाऊँगा। ये बादल देखें आप कितने हसीन लग रहे हैं यहाँ पे, माशाल्लाह ग्रीन, बहुत ही खूबसूरत जो है इनका सी है, और यहाँ पे थोड़ा सा शोर मिलेगा आपको, तो मैं इसका जितना हो सकता है इसको कैप्चर करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये देखे सामने एक बहुत प्यारी शिप मौजूद है, ये सनसेट हो रहा है, और आज रात में और कल सुबह बारिश एक्सपेक्टेड है, आप देखें कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है माशाल्लाह। यहाँ पे इन्होंने ना एक बाउंड्री वॉल बनाई होती है कि उस हिस्से में आप ना सकते हैं, जैसे ये आपको अगर नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे इन्होंने एक प्रोटेक्शन जो है समझ ले की हुई है, एक तरह से जाली लगी हुई है, इस हिस्से के अंदर आप ना सकते हैं, जो फ्रंट का जो एरिया है यहाँ पे, लोग देखिए आप नहा भी रहे, और इसके अलावा आप नहा नहीं सकते क्योंकि अलाउ नहीं होता, जैसे ही आप नहाएंगे तो वहाँ पर पुलिस होती है, वो आपको आके यहाँ से निकाल देगी। ये देखे यहाँ पर आप ऊपर चढ़ के व्यू आप और अच्छा हासिल कर सकते हैं। हेलो मैन, हाउ आर यू, आर यू एंजॉइंग, ओके, हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम, ओके, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। रश देखें आप किस तरह का है यहाँ पे, और यहाँ से आप देखें जितना बेहतर व्यू आ सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको इसका। बहुत ब्यूटीफुल, नीट एंड क्लीन इनका सी है, लेकिन थोड़ा सा कैमरा यूज़ करते हुए आपको ख्याल करना होता है, क्योंकि थोड़ा सा जो है
जाहिर सी बात है एक सोसाइटी है और फैमिली फीमेल्स वगैरह होती हैं, तो उसमें बहुत एहतियात करनी होती है कोई ऐसी चीज़ छूट ना हो, और यहाँ पे थोड़ा सा पर्दे का हिसाब किताब कम है। ये देखिए आप लोग लेटे हुए हैं और यहाँ पे जो है हर तरह से लोग इंजॉय कर रहे हैं, जैसे जो जिस तरह चाह रहे हैं उस तरह इंजॉय कर रहे हैं। ये शिप है बहुत बड़ी ज़बरदस्त, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्टिव जो काम हो रहा है वो होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ सामने एक ट्रक है, पीछे एक क्रेन है और एक बहुत बड़ी क्रेन वो सामने नज़र आ रही है वहाँ पे। तो जैसे टाइम बढ़ता जाएगा यहाँ पे जो है बिल्कुल सी पे रश ख़त्म हो जाएगा और फिर वो जो सामने रेस्टोरेंट है वहाँ पे सारा रश आपको नज़र आएगा। ये सामने पूरा रेस्टोरेंट चेन है, जैसे आपने देखा है सी व्यू पे है, या आप ये समझ लें कि मुख्तलिफ जगहों पर होती है इस तरह की। तो ये सी के साइड जो है ये सारी फूड चेन है और ये पूरा जो सी है ये सी साइड। ये देखें यहाँ डॉग्स आपको शायद नज़र आ रहे हो, तो डॉग्स बड़े नॉर्मल होते हैं यहाँ पे, और डॉग्स जो है स्ट्रीट डॉग्स हैं वो बहुत होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको बड़ी एहतियात करनी है आपको जो है वीडियो बनाते हुए, क्योंकि लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। फिर बार बार बता रहा हूँ आपको, जब भी आप तुर्की में आए तो आपको इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, वीडियो पे बहुत माइंड करते हैं लोग। इंजॉय करें, ये है ब्यूटीफुल इस्तांबुल और ये उसका सी है, और ये आप देखें सी साइड में, ये आपको फोकस करके दिखाता हूँ क्या औसम व्यू है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। दुआ करिएगा अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानी करे, हमें कामयाब करे, सेहत दे, ज़िंदगी दे, और हमारे लिए आसानियाँ फरमाए बहुत सारी। ये आप देखें सामने समंदर के ऊपर आप बादल देखें, कल बारिश एक्सपेक्टेड है यहाँ पे ना, आज रात से और कल तक बारिश का एक्सपेक्टेशन है, इंशाल्लाह कल बारिश होगी यहाँ पे। स्ट्रीट डॉग्स जो है उनसे आपको बचना है, जो मैं आपको बार बार तो सबसे अहम इंट्रोडक्शन कराने लगा। इस बीच के ऊपर आपको इंसान नज़र आएंगे, खूबसूरत इंसान नज़र आएंगे, उसके साथ कुत्ते भी नज़र आएंगे। ये कुत्ते आप देखें, ये स्ट्रीट डॉग्स हैं, यहाँ पे लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इससे और इन्जॉय कर रहे हैं। सनसेट हो रहा है अभी, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है, तो उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। यहाँ हम तो अभी यहाँ हैं रात तक इंशाल्लाह। मगरिब होने वाली है, सनसेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं और बड़ा ही हसीन व्यू है आज, क्योंकि बादलों की वजह से और चार चांद लग गए, तो बहुत ब्यूटीफुल व्यू है और इसको लोग आप यकीनन एंजॉय करेंगे। और जैसे जैसे मगरिब होती आएगी तो वो सामने जो फूड स्ट्रीट है वहाँ रश बढ़ता जाएगा। ये ब्यूटीफुल सनसेट है तुर्की में और हम आहिस्ता आहिस्ता पानी में आगे जा रहे हैं। अच्छा आगे जा रहे हैं तो ये देखें बिल्कुल बिल्कुल ही पांव डूब गए हैं, तो बेहतर ये कि ज़्यादा आगे ना जाया जाए, हालांकि सेफ्टी है यहाँ पे और सेफ्टी प्रिकॉशन है यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं, चहल कदमी कर रहे हैं सी पे, और उसके बाद फिर जैसी अजान हो जाएगी तो उसके कुछ देर बाद नमाज के टाइम के बाद समझ लें खाना खाएंगे इंशाल्लाह, और फिर थोड़ी देर बैठ के रवानगी होगी वापसी की। तो आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं इसको, सब्सक्राइब ज़रूर करा करें और लाइक करा करें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आई है उसमें और ग्रेजुअली इंशाल्लाह और अच्छा होगा अल्लाह ने चाहा तो। ये देखें यहाँ पे सब एक दूसरे से ऐदो पैमा करते हुए कि तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी, तुम भी मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे। अच्छा गाइस जी मैं आपको दिखाता चलूँ, ये लेफ्ट साइड पे मेरे सारे रेस्टोरेंट्स हैं और मेरे राइट साइड पे बीच है। अब क्योंकि अंधेरा हो गया है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सन्नाटा हो गया। मेरा जो लेफ्ट पे रेस्टोरेंट है वो आपको दिखाता हुआ चलता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा शॉपिंग अरीना है इनका, ये दिखा देते हैं आपको।
यस इट इज़ ब्यूटीफुल। ये अभी हम अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे मिल रही है आइसक्रीम और बहुत बेहतरीन। और यहाँ पे देखिए हम जैसे एक छोटा सा बाजार लगा होता है ना जहाँ पे दुपट्टे वगैरह सब कुछ मिल जाता है, ये वो बाजार। ये ज्वेलरी है और ये कपड़े हैं। आप ये आप देखें ज्वेलरी चेक करें, यहाँ पे बड़ी बेहतरीन खूबसूरत ज्वेलरी है इनके पास। ये चाचा बैठे हुए हैं, इनकी शॉप है और इसके बराबर में यहाँ पे स्कार्फ वगैरह अवेलेबल है। ये भी ज्वेलरी शॉप है, ये इनके पास जो है शो पीसेस अवेलेबल है। ये और सामने ये है, ये भी ज्वेलरी है इनके पास। और ये यहाँ पे भी ज्वेलरी है, तो ज़्यादातर लोगों के पास ज्वेलरी है यहाँ पे और कुछ लोगों के पास टॉयज भी हैं। जैसे ये देखिए टॉयज है इनके पास यहाँ पे, ये है इनके पास ज्वेलरी और जो बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। और ज़्यादातर इसमें जो है ब्रेसलेट्स और नेकलेस हैं ज़्यादातर इनके पास ये सारे। ये पूरा एरिया है और यहाँ पे हम जो है अभी फर्दर आगे बढ़ते हैं। फ्लावर्स हैं आर्टिफिशियल और ये बड़े खूबसूरत हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आप देखें, ये खातून जो है तस्वीरें बनाती है, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने तस्वीरें बनाई हुई हैं। ओके ये देखें बनाती हैं। और मैंने इनसे अगर पूछा है कि कितने रुपए चार्ज करेंगी, तो ये 400 लीरा बता रही हैं कि 400 लीरा इसके चार्ज करेंगी। और जो है मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे और बाज़ार। तो बहरहाल आप जब भी बीच पे आएंगे तो ये यहाँ पे आप आ सकते हैं बाज़ार में। छोटा सा एक बाज़ार है और आगे फिर वो ख़त्म हो गया है, तो खैर आगे बाज़ार ख़त्म हो गया है। जब भी आप इस बीच पे आएंगे तो यहाँ पे आप जाके बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। नॉर्मली इनकी चीज़ें जो हैं वो 20-25 लीरा से स्टार्ट हो रही हैं और 400-500 लीरा तक की हैं। ये सिलसिला है इसका, देखिए आप बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अबे बू एवने कदर नुकसान ले रहा। ओके ओके ये देखें, इसके अलावा ये भी है फर्दर यहाँ पे ज्वेलरी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद हैं अगर आप इधर से कुछ लेना चाहें। ये देखें बच्चों के लिए बूने कदर हेप्सी सिक्सन अच्छा। जैसे थाईलैंड बैंकॉक में मैंने देखा था कि नज़र के हवाले से बड़ा ख्याल किया जाता है, ख्याल से मुराद ये कि ये कोई ना कोई ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो नज़र से बचाने के लिए होती है। तो जैसे ये देखें आप, ये इन्होंने बनाया हुआ है, ये जो ब्लू है इसको ये नज़र के हवाले से क्या कहते हैं, उन्होंने दिन आबे उन ये रेस्टोरेंट्स हैं और ये यहाँ की नाइट लाइफ है तुर्की की। यहाँ पे रश बहुत है क्योंकि आज संडे भी है, इस वजह से भी रश है बहुत यहाँ पे। ये बादशाह कैफे है जहाँ हम 2-3 दफ़ा आ चुके हैं। ये जो है लुकास रेस्टोरेंट है और ये अनिल गोरिक है, तो यहाँ पे जो है बहुत रौनक होती है। सबसे ज़्यादा रौनक यहाँ देखी है मैंने इस बीच के ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त व्यू आता है यहाँ पे और बड़ा इन्होंने अपने रेस्टोरेंट को मेनटेन भी किया हुआ है और सफाई भी है। इवन कि आप अंदर जाएँगे तो वॉशरूम वगैरह सब ओके है बिल्कुल। आप जब भी आए तो बेहतर ही होगा कि इस रेस्टोरेंट में बैठे आप। मुस्तफ़ा अबे उन साहिल अदिन, साहिल अदिन चेक में जाते ओके तमाम कैसे क्यों। ये जो है लक्स कैफ़े है यहाँ पे और इसी के साथ ये बच्चों का प्ले एरिया भी बना हुआ है, बड़ा बेहतरीन माशाल्लाह है। और ये कॉफ़ी शॉप भी आगे, ये देखिए आप सामने, ये तुर्किश एयरफोर्स का ऑफिस है। और यहाँ पे अब हम चलेंगे वापस
और उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो बराए मेहरबानी इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपका कोऑपरेशन हमेशा की तरह चाहिए, और दुआएं चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानी करे, सेहत दे और कामयाबी दे हम सब। अल्लाह हाफिज़।